इंक्लाइन डंबल कर्ल, इसे ब्रैकियलिस ब्रैकियोडियलिस के साथ साथ बाइसेप ब्राची मसल वर्क होता है। दोनों हाथों में लाइटवेट डंबल को लेकर इंक्लाइन बेंच पर बैठ जाए। अपने हाथों को नीचे सीधा लटकाते हुए हाथों की कोनियों को स्टेबल रख कर धीरे धीरे डंबल को शोल्डर की ओर लाकर कर्ल करें तो बाइसेप मसल को स्क्वीज करें। फिर कंट्रोल फॉर्म के साथ डंबल को शुरुआती पोजीशन में लाकर बाइसेप मसल को स्ट्रेच करें। इसमें आप बिना किसी चीटिंग के बाइसेप मसल को अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं। इसके आप 3 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें। बारबल कर्ल, ओवरऑल बाइसेप की स्ट्रेंथ और मास को बिल्ड करने के लिए बारबल कर्ल वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। सबसे पहले ओलंपिक बारबल या फिर स्ट्रेट बारबल को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर पकड़ कर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी कोनी को बॉडी के क्लोज रखते हुए कंट्रोल फॉर्म के साथ बारबल को चेस्ट की ओर लाकर कर्ल करें तो 1 से 2 सेकंड होल्ड करें और बॉडी को स्टेबल रखते हुए धीरे धीरे बारबल को शुरुआती पोजिशन में वापस लेकर आए। हल्के वेट के साथ इस एक्सरसाइज की शुरुआत करें। इसके आप 3 सेट और 8 से 12 रिपीटेशन सही फॉर्म के साथ करें। सीटेड डंबल हैमर कर्ल, इससे बाइसेप के साथ साथ फोरआर्म मसल वर्क होता है, साथ ही में हाथों की पकड़ को काफी मजबूत बनाता है जिससे आप आसानी से हैवी वेट उठा पाते हैं। वीडियो में दिखाए मुताबिक दोनों हाथों में डंबल को लेकर बैक सपोर्ट से बेंच पर बैठ जाए। हाथों को आगे और अपनी कोनियों को बॉडी के क्लोज रखते हुए डंबल को न्यूट्रल ग्रिप हैंड से पकड़ ले। फिर अल्टरनेटिंग हैंड या फिर दोनों हाथों से डंबल को एक साथ शोल्डर की ओर लाकर कर्ल करें तो 1 सेकंड होल्ड करें। फिर धीरे धीरे डंबल को नीचे की ओर लाकर बाइसेप मसल को स्ट्रेच करें। इसके 3 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें। इजी बार प्रीचर कर्ल, यह बाइसेप के लॉन्गेड मसल की एक्सरसाइज है। इसमें भी आप बाइसेप मसल को बिना किसी चीटिंग के अच्छी तरह से ट्रेन कर पाते हैं। इसे करने के लिए प्रीचर बेंच पर बैठ जाए। अपने अपर आर्म्स को बेंच के पैड पर रखते हुए इजी बार को अंडर हैंड ग्रिप के साथ पकड़ ले। बाइसेप मसल पर फोकस करते हुए धीरे धीरे बार को अपने शोल्डर की ओर ऊपर उठाए तो 1 सेकंड होल्ड करे। फिर धीरे धीरे उसी फॉर्म के साथ उसे शुरुआती पोजिशन में वापस लेकर आए। आप इस एक्सरसाइज में उतना ही वेट सिलेक्ट करें जितने में आप 10 से 12 रिपीटेशन में ही फेल हो जाएं। इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। सीटेड केबल कर्ल, प्रीमियरली टारगेट द बाइसेप ब्राची एंड ब्रेकियालिस। पूरे मोमेंट के दौरान आप बाइसेप मसल पर लगातार टेंशन बना पाते हैं जिससे आपका मसल काफी अच्छी तरह से ग्रो होता है। वीडियो में दिखाए मुताबिक केबल मशीन के निचले लॉक पर स्टेट बार केबल को अटैच करके मशीन के सामने बैठ जाए और दोनों हाथों से केबल को पकड़ लें। हाथों को आगे की ओर सीधा करते हुए और अपनी कोनियों को नीज के सपोर्ट में रख कर धीरे धीरे बार को शोल्डर की ओर लेकर आए तो बाइसेप मसल को स्क्वीज करें। फिर स्पीड पर कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे बार को शुरुआती पोजिशन में लेकर जाए तो बाइसेप मसल को स्ट्रेच करें। काफी आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसके आप 3 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें। डंबल स्पाइडर कर्ल, बाइसेप ब्राची मसल को आइसोलेट और बाइसेप के पीक को तेजी से ग्रो करने के लिए एज अ फिनिशिंग के तौर पर इसे अपने रूटीन में जरूर ऐड करें। इसे परफॉर्म करने के लिए दोनों हाथों में डंबल को लेकर इंक्लाइन बेंच पर फेस करके लेट जाए। हाथों को सीधे नीचे की ओर लटकाते हुए अपने अपर आर्म्स को स्टेबल करके धीरे धीरे डंबल को शोल्डर की ओर लाकर बाइसेप मसल को स्क्वीज करें। कंट्रोल स्पीड के साथ डंबल को शुरुआती पोजिशन में नीचे ले जाए तो बाइसेप मसल को अच्छी तरह से स्ट्रेच करें। इसके आप 3 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करने की कोशिश करें।